जोरदार तालियां एक बार हो जाए महेश नेगी जी के लिए। मजा आया आप लोगों को? तालियां हो जाए एक बार जोरदार। तो मैं अब मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदीप भट्ट जी को, जो कि हैं एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष, जिला पंचायत संगठन उत्तराखंड, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, और जयेंद्र भट्ट जी को, जो कि है सदस्य तीर्थ यात्रा विकास समिति दिल्ली सरकार की। मैं निवेदन करूंगी हरी ससुराल जी से कि उनको से सम्मान मंच पे लेके आए। माध्यम से आप अपने घर लेके जाए और वासुदेवता का हमारे बीच में गढ़वाल महासंघ की जो टीम आई है मेरठ से, गढ़वाल सभा की जो टीम हमारे बीच में मेरठ से आई है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कृपया वो भी मंच पे आए। महेश नेगी जी से भी मैं निवेदन करूंगी कृपया वो भी मंच पे आए। उनको श्री राजेंद्र चौहान जी के द्वारा ये महासु देवता का बहुत ही खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। गढ़वाल सभा मेरठ से हमारे बीच में जो पूरी टीम आई है, इस टीम के भी सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगी कृपया वो भी मंच पे आए और उनको यहाँ पे महाकौतिक का स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं महाकौतिक टीम के सदस्यों से निवेदन करूंगी कृपया स्मृति चिन्ह मंच पे लेके आए। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, उनको श्री राजेंद्र चौहान जी के द्वारा महासु देवता का ये खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच में सांस्कृतिक मंत्री लक्ष्मी गोसाई जी भी मौजूद हैं, उनको भी भेंट स्वरूप ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। संगठन मंत्री विक्रम सिंह नेगी जी भी हमारे बीच में हैं। Oh, my God.
मैं रहती हूँ I'm not
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे दीपा नगर प्रसाद जी के द्वारा और पर्वतीय कला संघ मंच के जो ये बच्चे हैं उनके द्वारा मैं चाहूंगी जोरदार तालियां एक बार बजाएंगे इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुति की गई। हमारे बीच में मशहूर उद्योगपति दिनेश चमोली जी भी मौजूद हैं, उनका भी मैं महाकौतिक मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो लीजिए ये प्रस्तुति आपके सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल यहाँ पे उत्तराखंड फोक म्यूजिक अवार्ड शो होने जा रहा है, उसका एक टीजर हम आपको सुनाने जा रहे हैं और कल यहाँ पे वो लाइव शो बहुत ही भव्य रूप से आपके सामने दिखाया जाएगा। तो विकास शाह जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो ऑडियो आप सभी तक टीजर के रूप में पहुंचाएं। Gauthier presents Uttarakhand Folk Music Award 2022, powered by ONGC, co-powered by Mattulal Jewellers, Noida. Presents Uttarakhand Folk Music Award 2022, powered by ONGC, co-powered by Mattulal Jewellers, Noida. Mahagauthier presents Uttarakhand Folk Music Award 2022. एक सुंदर सा गीत वो आपके सामने लेके आ रहे हैं और पर्वतीय कला संगम के जो कलाकार हैं वो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन नृत्य इस गीत में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो तालियों के माध्यम से आप जरूर स्वागत करेंगे इन सभी कलाकारों का। संगीतकारों से मैं निवेदन करूंगी कृपया मंच पे ही बैठे रहे, हमारा मंच आपके बिना अधूरा लगता है। तो आपकी सुंदर मुखड़ी हमें दिखाई रहने थोड़ा थोड़ा देर में तो अच्छी लग दू। तो देखा हमारे संगीतकारों को जिनकी मैं पहले भी बताया जो कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान बंधु, तो वो अभी उनका बिना कोई भी या कोई गाना पूरा नहीं हो सकता। तो एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप एक बार फिर से हमारे संगीत पक्ष का स्वागत करेंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने एक खूबसूरत सा गीत मनोज सागर जी के द्वारा। लगी चाली मेरी मोनिका, बस मिल जी चाली मेरी Thank you.
धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे गाने की एक लाइन आप लोग गाएंगे। गाएंगे घोटा समनिए, थोड़ा और जोर से, घोटा समनिए, घोटा समनिए, घोटा समनिए, Oh!
थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी रावत जी, टीना नेगी जी, प्रियंका नेगी जी, अनामिका चौहान जी और सीमा बीस जी, तो मैं चाहूंगी इन बेहतरीन कलाकारों के लिए आप तालियां जरूर बजाएंगे। दोनों हाथ खड़े करके आप लोग पीछे बहुत डांस कर रहे थे, मैं देख रही थी, और सभी लोग बहुत आनंद आपका आपने लिया इनकी परफॉर्मेंस में, तो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, बहुत ही सुंदर आपका प्रदर्शन यहाँ पे रहा। तो चलिए आज की संध्या को अब आगे बढ़ाते हैं और एक सुंदर से गीत के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी मनोज आर्या जी को। मैं चाहूंगी तालियों में आप कमी ना छोड़े और याद दिलाना चाहूंगी आपको एक बार फिर से कि कल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति उत्तराखंड फोक म्यूजिक अवार्ड शो की होने जा रही है, जिसमें कि उत्तराखंड सिने जगत से जुड़े हुए सभी जाने माने कलाकार यहाँ पे मौजूद होंगे और उनकी प्रस्तुतियां भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप यहाँ पे आके कल का जो अवार्ड शो है उत्तराखंड फोक म्यूजिक अवार्ड शो उसका आनंद लेंगे।